हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रमोद खल्लम। दोस्तों, हम आज बैनर बनाएंगे, बैनर का डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों, हम कोरल में बैनर बना रहे हैं, तो हम साइज लेंगे 6x4, 8x4। आप जो भी साइज रखना चाहते हैं बोर्ड का, वो साइज लेंगे। और फिर हम यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पास श्रीलिपि है, तो श्रीलिपि में मैं फॉन्ट चूज करता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों, ये देखो, यहाँ से मैंने टाइप किया है, मेरा कीबोर्ड मॉडलर है। तो अभी मैं स्कोर लॉक ऑन करूँगा, श्रीलिपि पे डबल क्लिक करूँगा। दोस्तों, यहाँ से स्कोर लॉक ऑन और बंद करूँगा, इस तरह से ऑन ऑफ करूँगा ताकि श्रीलिपि एक्टिवेट हो जाए। ये देखो दोस्तों, यहाँ से स्कोर लॉक मैंने ऑन ऑफ किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो इस तरह से। तो अभी मेरा श्रीलिपि ऑन हो गया दोस्तों। अभी मैं टाइपिंग करूँगा, ये देखो इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से टाइप करने के बाद मैंने ये यहाँ पे सेंटर पे लिया, शिफ्ट दबा के सी दबा प्रेस किया। सी प्रेस करते समय स्कोर लॉक ऑफ चाहिए, तभी वो सेंटर होगा। स्कोर लॉक ऑफ करके श्री और शिफ्ट दबा के बॉक्स को सिलेक्ट किया और सीधा दबाया। कभी भी स्कोर लॉक ऑफ होगा तभी ये शॉर्ट की से यूज में आती है दोस्तों। ये देखो, इस तरह से लेफ्ट की से खींच के राइट की दबाया, कॉपी पेस्ट हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये देखो इस तरह से मैंने टाइप किया है। अभी दोस्तों, मैं क्या करूँगा, वापिस माउस से लेफ्ट की से खींच के राइट की दबाया। अब यहाँ पे मैं भगवान का नाम डालूँगा, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हमने यहाँ टाइप किया इस तरह से। ये देखो दोस्तों, दोनों को मैंने ठीक तरह से पोजीशन दिया। उसके बाद मैंने शिव देवा के नीचे खींचा और राइट की दबाया। कभी भी शिव देवा के हमें खींचना है ताकि ये प्रोपोर्शन में हो। अभी मैं दुकान का नाम डालूँगा, ये देखो दोस्तों इस तरह से संतुष्टि होल्स कॉर्नर। तो दोस्तों, ये कस्टमर की शॉप का नाम है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने उसे बड़ा किया। मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया है इस तरह से। दोनों सेलेक्ट करके स्कोर लॉक बंद करके सी प्रेस किया, सेंटर हो गया इस तरह से। मैं ये वाला टूल लेता हूँ, सेंटर लेता हूँ, ये पॉइंट डिलीट करता हूँ और यहाँ से ऊपर लेता हूँ ताकि इस तरह से नाम का शेप चेंज हो। ये देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। मैंने इसको रेड कलर दिया, व्हाइट पे राइट क्लिक किया, व्हाइट आउटलाइन आया है, ये देखो इस तरह से। तो इस तरह से मैंने लेफ्ट की से खींच के राइट की दबाया तो और एक नाम पेस्ट हो गया। फिर मैंने ब्लू पे राइट और लेफ्ट की दबाया और नीचे का जो शेड है वो ब्लू हो गया, ये देखो इस तरह से। तो मैं अभी यहाँ से उसे ब्लेंड करता हूँ, ये देखो इस तरह से मैंने ब्लेंड का ऑप्शन यूज किया। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं धीरे धीरे। ये देखो इस तरह से मैंने ये बॉक्स लिया, यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने उसका राउंड टर्न किया इस तरह से। ज़्यादा हुआ था, मैं अभी कम करूँगा,
ये देखो दोस्तों इस तरह से, नीचे भी उतना ही लेना है, ये देखो इस तरह से मैंने इसको खींच के पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, लेफ्ट की से खींचा, राइट की दबाया, पेस्ट हो गया। फिर कंट्रोल डी किया इस तरह से, नीचे कॉर्नर पे रेड पे क्लिक किया डबल, तो आउटलाइन बढ़ाया इस तरह से। तो दोस्तों अभी हम गूगल पे जाके फोर्स की पिक्चर्स लेंगे। ये देखो हम दाबेली का पिक्चर लेने वाले हैं। ये देखो हमें इमेज अच्छी लेनी है ताकि वो प्रिंटिंग को अच्छी आए। ये देखो ये एचडी इमेज है, इसे मैं सेव करता हूँ। ये देखो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल बी दबा के ये कंट्रोल ब्राइटनेस कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से मैंने बॉक्स पे खींचा और पावर क्लिक किया इस तरह से। ये देखो दोस्तों अभी हम और एक ड्राइंग लेंगे दोस्तों। तो अभी हम भेल का पिक्चर लिया, हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ऐसे बॉक्स पे खींच के पावर क्लिक किया, राइट की से अपन बॉक्स पे खींचा और वहाँ पे राइट की दबाया तो वहाँ पे वो आ जाता है ऑप्शन पावर क्लिप का, उस पर क्लिक करने का। तो इस तरह से दोस्तों मैं और एक पिक्चर लेने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों बड़ी भेल का मैं ड्राइंग लिया है, छोटा किया, राइट की से खींचा, पावर क्लिक का ऑप्शन पे क्लिक किया इस तरह से। आप अल्टर दबा के बाहर से भी ड्राइंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या कंट्रोल दबा के अंदर जा सकते हैं, कंट्रोल और माउस का लेफ्ट की, नहीं तो आप अल्टर दबा के माउस का लेफ्ट की बाहर से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर अंदर जाने के लिए जहां पावर क्लिक किया है फोटो, वहां पे उस फोटो पे कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट की दबाओ तो अंदर जाता है। इस तरह से आप पावर क्लिक करना है। देखो बाहर से मैं कर रहा हूँ, ये अल्टर दबा के माउस के लेफ्ट की से होता है बाहर से पावर क्लिप सेट। तो ये देखो दोस्तों हमें बैकग्राउंड देना है, तो मैं अभी बैकग्राउंड में जाऊँगा। मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड से, आप चाहे तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या सेव कर सकते हैं। तो मैं ये बैकग्राउंड लेने वाला हूँ, इसे मैं रोट करता हूँ डबल क्लिक करके इस तरह से, फिर इसे खींच के यहाँ पे पावर क्लिक किया इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों ये सेट किया, और ये देखो दोस्तों इस तरह से बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन आपके सामने रेडी है। मैंने सब बॉक्स सिलेक्ट करके एरो से और राइट की माउस का दबाया वाइट पे, तो वाइट आउटलाइन हो गया बॉक्स का इस तरह से। देखो दोस्तों आपके सामने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और घंटे के बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, इसी तरह से आप वीडियो देखते रहें और जल्द से जल्द ग्राफिक डिज़ाइन में अपना नाम करियर बनाएं, यही मेरी इच्छा है।
ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा नाम बन के रेडी है इस तरह से। साइड से जगह छोड़नी है। ये देखो दोस्तों, मैं और एक बैकग्राउंड बदल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये वाला, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट बैकग्राउंड यूज करके दिखाता हूँ। इसे नीचे खींचा और राइट क्लिक किया, कॉपी पेस्ट हो गया। अंदर का बैकग्राउंड मैंने डिलीट किया, फिर कंट्रोल दबा के बाहर आया, इस तरह से खींच के यहाँ पे पावर क्लिक किया, कंट्रोल दबा के अंदर गया। अगर बाहर से ही करना होता है तो अल्टर दबाने का और माउस का लेफ्ट की दबाने का, आप बाहर से भी कर सकते हैं। ये देखो ऊपर के नाम लाइट हो गए, तो मैं माउस की से सिलेक्ट करके रेड कलर किया इस तरह से। देखो दोस्तों, फिर राइट क्लिक किया वाइट पे, यहाँ पे डबल क्लिक किया और फिर यहाँ से डिफॉल्ट करके इस तरह से मैंने आउटलाइन दिया। ये देखो दोस्तों, डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप धीरे धीरे मुझे फॉलो करें, वीडियो देखें बार बार इस तरह से। ये देखो दोस्तों, एक तरफ वीडियो लगाना है और दूसरी तरफ प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी, एक बार डिज़ाइन बनाओगे तो बार बार बनाते रहोगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ से फॉन्ट चेंज होता है सिलेक्ट करके। कोरल में डिज़ाइन करने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। इसमें आप बहुत ही अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बना सकते हैं दोस्तों। ये देखो, इस टूल से मैंने इसे विगनेट दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने टू शेड में नाम बनाया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप टू शेड्स बना सकते हैं किसी भी नाम को। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। नीचे से ऊपर से दबाता हूँ सीध दबा के। ये देखो दोस्तों, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आपके सामने पेश है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैंने इसका भी आउटलाइन वाइट किया, सब सिलेक्ट करके मैंने माउस का राइट की वाइट पे प्रेस किया, तो इस तरह से सब बॉक्स की आउटलाइन वाइट हो गई। ये देखो दोस्तों, मैंने F9 दबाया तो फुल स्क्रीन हो गया। ये देखो दोस्तों, दोनों सिलेक्ट करके शिफ्ट और F2 दबाया, सेंटर में आ गया, फिर F9 दबाया। ये देखो दोस्तों, फुल स्क्रीन हो गया। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बन के आपके सामने रेडी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करो दोस्तों। कभी भी हमें डिज़ाइन सेव करना होता है ताकि कभी लाइट जाए या पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो तो हमें डबल मेहनत ना करना पड़े। तो बाय दोस्तों।